में आपका एक बार फिर स्वागत है और हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं अमोद कंठ साहब, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, बच्चों के लेकर बड़ा कई संस्थाओं में जुड़े रहे हैं और समाज सेवी के तौर पे हम सभी लोग उनसे भली भांति परिचित हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं। अमोद कंठ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अगर ठीक से बताऊं, मैं आप ही से बात शुरुआत कर देता हूं, 2001 का समय रहा होगा या दो, लगभग 20 वर्ष गुजर गए, स्टोरी कर रहा था बच्चों के लेकर मैं किसी चैनल के लिए, तब भी यही बात कर रहा था मैं और 20 साल के बाद भी यही बात कर रहा था, आज कर रहा हूं कि बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया किस तरह आसान हो। 20 साल पहले लगभग स्टोरी करा था मैंने और मुझे याद है मैं अमोद कंठ साहब से मिला था उस समय, प्रयास में के संदर्भ में था मैं। आज 20 साल के बाद भी मैं इसी बात पे हूं कि कोरोना के जो बच्चे, जो बेसहारा हुए बच्चे हैं, उनके उनको उनको परिवार मिले, परिवार की देहरी मिले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और वो बेसहारा नजर ना आए, समाज का, हमारा और सरकार का, सबका दायित्व, बेहतर कैसे हो, क्या हो, इस पर बात हो रही है। अमोद कंठ साहब जी, ऐसा है, धन्यवाद, आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं तो मैं 30 साल पहले की बात कर दूं, जब 1988 में प्रयास की स्थापना मैंने की और तब से ये संस्था देशव्यापी हो गई है। आपको मालूम है हमारे 150 सेंटर हैं, हमारे करीब करीब 40 के आसपास शेल्टर होम चलते हैं बच्चों के, जिसकी वजह से मैं जुड़ा हूँ इस विषय से। हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की शुरुआत प्रयास से हुई, आज हमारे पास 6 चाइल्ड हेल्पलाइन है। देखिए, इस विषय पे आप थोड़ा समय अगर मुझे दें 2-3 मिनट तो मैं इसको बता दें कि ये बड़ी भारी समस्या है और इसकी गलत है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए, पहली चीज ये है कि आप प्रधानमंत्री ने ऑर्फन्स के लिए पीएम केयर में एक बहुत बड़ा ऐलान किया, लेकिन शायद पता नहीं लोगों को मालूम था कि नहीं कि ऑर्फन्स की परिभाषा में वो बच्चे आते हैं जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, एडॉप्टिव पेरेंट्स, लीगल पेरेंट्स नहीं है, एक या दो, और वो भी आते हैं जिनके परिवार उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। मैं सेक्शन 242 को कोट कर रहा हूँ जो डेफिनेशन देता है, और जो परिवार अनविलिंग है, इनकेपेबल है कि बच्चों को रख सकें, ऐसे बच्चों की बात हम कर रहे हैं जो ऑर्फन्स कहलाते हैं कानून के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। यूनिसेफ के मुताबिक ऐसे बच्चों की संख्या भारतवर्ष में, एग्जैक्ट फिगर यूनिसेफ दिया है, 29.6 मिलियन, यानी 2.96 करोड़ बच्चे ऐसे हैं भारतवर्ष में जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और मैं भी यही कर रहा हूँ, क्योंकि भारतवर्ष में कम से कम 35 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको हम चिल्ड्रन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कहते हैं। ये एक तरफ की स्थिति है। दूसरी तरफ की स्थिति यह है कि भारतवर्ष में कोई एक इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन, ये लोग डील करते हैं अडॉप्शन के ऊपर और उन लोगों की मदद करते हैं जो अडॉप्शन में बच्चों को लेना चाहते हैं, इनके मुताबिक भारतवर्ष में कोई 27 मिलियन, यानी 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अडॉप्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं से, यानी क्योंकि हर 10वां कपल जो होता है वो इनफर्टाइल होता है, उसको अडॉप्शन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे देश में आप देखिए तो आश्चर्य आपको सुन के होगा कि 2010 में यहाँ पे 6321 अडॉप्शन हुए, 2019 में घट के 3745 हो गए। आप समझ रहे हैं, 6321 से घट के 10 साल के बाद ये बन गए 3745, यानी अडॉप्शन की इतनी बुरी हालत हो गई, जो सबसे सटीक और सबसे सही तरीका माना जाता है ऐसे बच्चों के परवरिश करने का, उनके विकास करने का जिन बच्चों की आवश्यकता है। तो ये वाकई समझने की आवश्यकता है कि भाई ये दुर्गति क्यों है, ये दुर्गति क्यों हो रही है। दूसरी तरफ जो हमारे अभी कल में सुन रहा था, हमारे मित्र हैं प्रेम कानूनगो, वो नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन के चेयरमैन हैं, उनका विचार था कि तमाम बच्चों को किसी होम में नहीं रखा जाए, शेल्टर होम या चिल्ड्रंस होम में ना रखा जाए। ठीक है, मैं मानता हूं नहीं रखा जाए, ये पहला रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अभी भारतवर्ष में कोई 7,165 शेल्टर एंड होम्स हैं जहां पे मात्र 2,65,000 बच्चे रहते हैं, यानी कहां आप बात कर रहे हैं 30 मिलियन की और कहां बात कर रहे हैं 2,65,000 की, यानी कि करीब करीब 99% बच्चे जो हैं वो सड़क पे हैं, बिना परिवार के हैं, ऐसी इतनी बड़ी संख्या में ऐसे देश में। फिर कानून चौथी बात मैं कह रहा हूं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में 4 बातें हैं, पहली बात एडॉप्शन, दूसरा फॉस्टर केयर, तीसरा स्पॉन्सरशिप, चौथा आफ्टर केयर। मैंने अभी नीति आयोग की एक मीटिंग में, परसों मीटिंग हो रही थी, उनकी एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग थे, अमिताभ कांत चेयर कर रहे थे, मैं मेंबर हूं उसमें, मैंने वहां यही बात पेश करने की कोशिश की और लिख के भेजा मैंने कि भाई जब तक कि आप इस प्रोसेस को सही नहीं करेंगे, ऑर्फन जाएंगे कहाँ, आप इन ऑर्फन की तलाश कहाँ करेंगे, तो चारों तरफ आपके ड्राफ्ट हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पूरे के पूरे सिस्टम में बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, दिक्कत कहाँ से शुरू होती बताऊं मैं, देखिए होता यह है कि लोग गाहे बगाहे सोच के बैठ जाते हैं
कि भाई ये जितने संस्थाएं हैं सारे के सारे बदमाश हैं, ये जितनी संस्थाएं हैं सारे के सारे बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं संस्था चलाता हूँ, हमारे पास 38 चिल्ड्रंस होम्स हैं, मैंने कब एक्सप्लॉइट किया भाई? मैं पुलिस में था, मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ इस दिशा में। अमोद जी मैं रोक रहा हूँ आपके, आपके फ्लो को रोक रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। इसी पैनल पे वकील बैठे हैं दिव्यांशु, उन्होंने कहा कि जो एक्ट है वो पूरा का पूरा एक्ट जो है एनजीओ को इतना इंपावर कर देता है कि कोई इंडिविजुअल उसमें अपनी बात अपनी इच्छा रख ही नहीं पाता। तो यही मुश्किल है कि इंडिविजुअल अगर कोई परिवार या कोई परिवार आगे आना भी चाहे एडॉप्शन के लिए, तो एनजीओ इतना ज्यादा हावी है कि वो ले ही नहीं पाते, अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। ये बात अभी से कही गई। आमोद कंठ जी, मेरे वकील मित्र जो हैं, जाहिर है कि हमसे बहुत जूनियर और यंग होंगे, मित्र भी हो सकते हैं, मैं चेहरा नहीं देख रहा हूँ, नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ये सही है कि देश के जितने चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 वो एनजीओ चलाते हैं। देश में ये जितने भी 7,165 जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनमें अब करीब आधे एनजीओ चलाते हैं, आधे गवर्नमेंट चलाती है। एडॉप्शन की बात यहाँ तक है, एडॉप्शन में जितने एडॉप्शन एजेंसीज थे जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनकी दुर्गति है, उनको शायद नहीं पता है। दुर्गति अगर नहीं होती तो एडॉप्शन ज्यादा होता। ये फैक्ट कितने कम एडॉप्शन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्शन एजेंसी चला रहे हैं वो एडॉप्शन कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपने सोचा है कभी? देखिए कारा के गाइडलाइन, सारा के गाइडलाइन, ये सारे के सारे गाइडलाइन है, धीरे धीरे स्थिति अलग हो चुकी है। आप थोड़ा अलग से विचार कर रहे हैं हमसे। ये दिक्कत क्यों रही कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सर इस काम को जब करती थी, जब उनके हाथ में एडॉप्शन का प्रोग्राम काफी हद तक हुआ करता था, आज से 10 साल पहले, तब एडॉप्शन ज्यादा थे। मैंने आपको फिगर दिया ना कि एक तरफ जो है आपके एडॉप्शन कितना बताया है, 6,000। राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर। वक्त की थोड़ी सी सर कमी है, वक्त की थोड़ी सी कमी है, मुझे 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 बाकी लोग, जयंती कुछ कहना चाहती है? वेरी क्विक जयंती, वेरी क्विक जयंती, मैं ईशानी आपके पास आ रहा हूँ, जयंती वेरी क्विक। प्रतीक जी, हम एडॉप्शन की पॉलिसीज को क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करना चाहते। हमारे पास ये जो बच्चे हैं जो कोविड के अफेक्टेड हैं उनके लिए मैं समझती हूँ 4 स्टेप्स आर नेसेसरी। एक तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर एंड वीमेन के अंडर एक विंडो खोले जिसमें प्रोफेशनल्स के तहत एक बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हमेशा देखिए ऑल द चिल्ड्रन आर नॉट ऑर्फन्स, उनके लिए माता पिता कुछ रख के गए हैं, उनकी इंश्योरेंसेज होंगी, तो उनके देखभाल के लिए भी बोर्ड का होना बहुत जरूरी है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हाँ इनकी जो रखे हुए धन है, जो भी इंश्योरेंस है, जो भी माता पिता का बचाया पैसा है। सेकंड पॉइंट इज इवैल्यूएशन इनके वेलफेयर के लिए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि ये स्कीम्स उन्होंने खोला है, उन्होंने अनाउंस किया है कुछ दिन पहले, तो उसकी बेनिफिट भी इन बच्चों तक पहुंचे, उसकी भी निगरानी होनी चाहिए। मैं नहीं समझती एडॉप्शन से ही सारा कुछ। राइट, मैं जयंती आ रहा हूं। ईशानी, व्हाट योर पॉइंट? थर्ड पॉइंट, जो एडॉप्शन के लिए आगे आना चाहते हैं उनकी इवैल्यूएशन करिए और एडॉप्शन के लिए दे दीजिए, लंबी प्रोसीजर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप होते रहना चाहिए। ईशानी मेरे, राइट ईशानी, ईशानी जयंती जी ने बात कही थी कि कोविड ऑसम देश की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमारे देश का हर बच्चा जो सड़कों पर है, जो उन आंकड़ों में नहीं आता जो ऑसम के आंकड़े दिए जाते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल केयर में है और जो कोविड ऑसेंट है, वो सब देश की जिम्मेदारी है। तो ये सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है, और जिसमें भी अपने पेरेंट्स अब खोए हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट 0 to 4 years का ब्रैकेट जिसमें बच्चे बच्चे को ट्रॉमा समझ ही नहीं आता, वो सब ट्रॉमेटाइज्ड है। मतलब आई एम देयर शुड बी हेल्प फॉर ऑल ऑफ देम, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट द हेल्प। मैं ये कह रही हूँ कि हर बच्चा ट्रॉमेटाइज्ड है जो वो इंस्टीट्यूशनल केयर में रह के है। मेरा कहना है कि इन बच्चों के लिए अलग से विंडो चाहिए, क्योंकि इनकी सिचुएशन और जो बच्चों की आप बात कर रही है उनकी सिचुएशन अलग है। सेकंड पॉइंट, स्क्रूटनाइजिंग ऑफ प्रोसीजर शुड बी लूपहोल्स एग्जैक्टली, कि किस लूपहोल का कहां एडवांटेज लिया जा रहा है, जो कि अभी बात हुई थी, कौन सा कहां एडवांटेज लिया जा रहा है, क्या उनको लीगली फ्री होने में लूपहोल है या पेरेंट्स के बैकग्राउंड चेक में लूपहोल है। इसके बाद भी प्रतीक जी, देयर विल बी अ वास्ट नंबर ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उसको पेश किया जाता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास।
हमारे पास 15,000 बच्चे साल में आते हैं प्रयास में, बताओ आपको, देश में 10 प्रदेशों में हम लोग काम करते हैं, इतने सारे होम्स हमारे हैं, 15,000 बच्चों को हम लोग पेश करते हैं हर साल, कम से कम, हो सकता है ज्यादा 20,000 हो, उनमें और फिर हजारों की संख्या में होते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको लीगल रिक्वायरमेंट है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बोर्ड ऑफ मैजिस्ट्रेट है वहाँ प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो फैसला करती है कि बच्चे को कहाँ डालना है, किसी होम में डालना है, एडॉप्शन में डालना है, डालना है, उनकी जिम्मेदारी होती है। प्रीति, प्रीति, प्रीति कुछ कहना चाह रही थी, प्रीति पांडे कुछ कहना।